प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं प्राइम पब्लिक और सरकार, जिसमें हमारे संवाददाता जिले जिले क्षेत्र क्षेत्र और विधानसभाओं में जाके बात कर रहे हैं जनता से और जान रहे हैं उनका मूड क्या है, आने वाले चुनाव में किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, किन चीजों से खुश है और किन चीजों से नाखुश है जनता, सभी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता। तो आज किन मुद्दों पर बात हुई है और किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं चित्रकूट के मानिकपुर में, जो मध्य प्रदेश की सीमा में पड़ता है। वहीं आपको बता दें कि चित्रकूट को इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि प्रभु श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कर्म भूमि बताई जाती है और ऐसी मान्यता भी है। और साथ ही साथ जो 14 वर्ष का श्री रामचंद्र का वनवास था, उसके 11 साल चित्रकूट में उन्होंने गुजारे थे। तो अब आते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा की राजनीति पर। तो उत्तर प्रदेश के मानिकपुर में मऊ विधानसभा में हम मौजूद हैं, जहां अभी जो दो प्रत्याशी प्रबल रूप से दावेदार बताए जा रहे हैं, उसमें से अविनाश चंद्र द्विवेदी, जो कि अपना दल और भाजपा के संयुक्त रूप से प्रत्याशी हैं, और वहीं अगर बात की जाए तो कांटे की टक्कर जो ददुआ का बेटा है वीर सिंह, उससे बताया जा रहा है। तो यहाँ की लोगों से हम जानेंगे कि जो राज्य सरकार के द्वारा, जो योगी सरकार तत्कालीन लखनऊ में की सप्ताह में, जो उत्तर प्रदेश की सप्ताह में काबिज है, वो कहाँ तक जो योजनाएं चला रही हैं, वो कहाँ तक यहाँ तक पहुँच पा रही हैं और कितना लोग खुश हैं और क्या है यहाँ का जो ये जो मानिकपुर मऊ विधानसभा है, इस विधानसभा पे लोग क्या चाहते हैं। अभी अगर बात करें तो तत्काल में ये सीट बीजेपी के कब्जे में है, और बात करें तो जब से ये विधानसभा बनाया गया है तब से बसपा और भाजपा के जो प्रत्याशी रहे हैं उनकी जीत हुई है। तो आइए कुछ लोगों के बीच चलते हैं और उनसे जानते हैं कि इस सीट पर किसकी जीत होगी और जो तत्कालीन सरकार है उससे कहाँ तक लोग खुश हैं। तो हमारे साथ एक भाई हैं, आप अपना नाम बता दें। ब्रह्म प्रकाश त्रिपाठी। ब्रह्म जी, हमें ये बताएं कि अभी सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, उससे कहां तक खुश हैं आप? देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट आई है, जो कि चित्रकूट जिले में योगी बाबा ने जो काम किया आज तक किसी ने नहीं किया है। इस 5 साल के वर्षों में सड़कें, मनरेगा, नरेगा, गरीब किसान सबको साथ लेकर चले हैं योगी जी। अच्छा, यहीं अगर बात करें मानिकपुर विधानसभा, जो मानिकपुर मऊ विधानसभा है, यहां से कौन आपको जीतता हुआ दिख रहा है? अविनाश चंद द्विवेदी अपना दल से, बीजेपी का जो गठबंधन है, कम से कम 50,000 वोटों से विजयी होंगे। वही बताया जा रहा है कि यहां वीर सिंह जो है उनसे इनका कड़ा मुकाबला है, उस पे जाकर? नहीं, वीर सिंह से कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि वीर सिंह के पिताजी यहाँ के खूंखार 25 साल डकैत थे, उन्होंने गुंडागिरी और डकैती यही काम किया है। तो ददुआ की बात? हाँ, ददुआ की बात कर रहा हूँ। तो वीर सिंह तो लड़ाई में है ही नहीं है। अच्छा, अगर बात करें तो सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, या फिर आवास योजना हो या किसान सम्मान निधि हो, तो क्या ये सब योजनाएं यहाँ जमीन पर उतर के अब लोगों के लिए कारगर साबित हो पा रही है? कहाँ तक उनकी मदद हो पा रही है सरकार की? पूरी सरकार की, पूरी तरह सरकार की मदद हो रही है सबको। घर घर कॉलोनी, शौचालय, मनरेगा, ननरेगा, पूरा किसान सब खुशहाल है। DAP, यूरिया सब सरकार की तरफ से दी जा रही है 5 वर्ष में। तो आप बताएं, आपका नाम क्या है? दिलीप। दिलीप, क्या काम करते हैं आप? हम नरेगा वाला काम करते हैं। तो नरेगा का काम कैसा चल रहा है? क्या काम चलता है? अच्छा चलता है, पैसा मिलता है, अनाज फ्री मिलता है। आपके मुताबिक इस बार प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? इन्हें की सरकार बनेगी, योगी की। योगी की। हाँ। तो बात करें मऊ की, मानिकपुर में, तो इस बार कौन, मानिकपुर तो कौन जीतेगा यहाँ से? लल्ली महाराज। और ये बताइए कि क्या आप किसान भी हैं? हाँ, किसान भी हैं। किसान सम्मान निधि सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है और किसानों की आय दुगनी की बात की जा रही है, तो उस पे क्या कहेंगे आप? फायदा है, किसानों को बहुत फायदा है। आवास योजना क्या यहाँ पे जमीन पे मिल रहा है लोगों को? हमें खुद मिला है कॉलोनी भाई। आपको? हाँ, बहुत गाँव मिला है, हमें बहुत नहीं मिला कभी, अभी नहीं। अच्छा अच्छा, कुछ और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं। आप अपना नाम बता दें। दिलीप द्विवेदी। दिलीप सर, तो दिलीप जी, हमें ये बताएं कि उत्तर प्रदेश में आपको कौन सी सरकार इस बार बनते हुए दिख रही है? हमें जो है भाजपा की सरकार बनते हुए दिख रही है, क्योंकि योगी बाबा जो है ये अवतारी पुरुष है जो है, और सन्यासी आदमी है, हम इनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जनता बहुत ज्यादा पसंद करती है। अच्छा, हमें ये बताएं कि योगी सरकार दावा कर रही है कि हम एकदम क्राइम खत्म कर दिए हैं,
माफिया माफी मांग रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? वो दिखाई दे रहा है जो है क्राइम खत्म है, पूरा खत्म है जो है, एकदम से माफी मांगेंगे और एकदम से आम जनता की आम जनता की तरफ हो जाएंगे जो है। खास तौर पे इस क्षेत्र को ददुआ के लिए भी बताया जाता है कि यहाँ आतंक था, तो क्या वो आतंक अभी भी है? ऐसा कुछ पनपा हुआ है और सरकार आने के बाद कुछ उससे निशावन मिला है? बहुत ज्यादा मतलब जो है आदमी बहुत स्वतंत्र जी रहा है और बहुत अच्छा रात बिरात निकल रहा है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी सरकार में। और पहले जो है गांव के 2 किलोमीटर बाहर निकल जाओ तो आदमी मतलब जो है पेशाब कर मारता था जो है, इतना खौफ था बदमाशों का बहुत ज्यादा जो है। अब जो है लोग बाग जो है जनता जागरूक हो चुकी है, बदमाशों को पनपने नहीं देगी जो है। अच्छा, तो भाई आप अपना नाम बता दें। मोहित यादव। आप अपना दल से हैं? जी। तो ये बताइए आपके प्रत्याशी जो है लल्लू महाराज, लल्ली महाराज, अविनाश चंद द्विवेदी जी, वो आपको कितने वोटों से जीतते हुए दिख रहे हैं और क्या किससे मुकाबला है? 50,000 ऊपर की वोटों से जीतते हुए देख रहे हैं। वीर सिंह की कोई इसमें अहमियत नहीं है जीतने की, साफ साफ बता दिए। पहले उन्होंने टिकट लिया, फिर उन्होंने वापस कर दिया। वापस करने के बाद उन्होंने अखिलेश से आश्वासन दिया कि आप जाइए, चाहे मेरी पार्टी चाहे जीते चाहे हारे, हम आपको नहीं कोई बड़ा पद देंगे। अच्छा, बड़ा पद देंगे जी। अच्छा, हमें ये बताएं कि इस क्षेत्र की समस्या के बारे में अगर बात करें तो प्रमुख समस्याओं में क्या है? यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा अमन चमन है, सिंचाई पहले समस्या थी, अब सिंचाई जो है नलकूप लग चुके हैं, बहुत अच्छा खेती है। ये बुंदेलखंड नहीं रह गया है, पूरा दुआबा हो चुका है। और हमारे जो प्रत्याशी आए हैं जो है इससे जनता बहुत ज्यादा खुशी है, वो एक अवतारी पुरुष उनको माना जा रहा है। अच्छा, अगर बात की जाए तो इस बार आपको किसकी सरकार बनते हुए दिख रही है? योगी मोदी तो आएंगे ही, विश्व गुरु में जाना है। और अगर इस सीट की बात की जाए तो इस सीट में भाजपा ही जाएगा, भाजपा के संयुक्त। हाँ, भाजपा के संयुक्त। अच्छा, ये बताएं कि किसान सम्मान निधि किसानों को दिया जा रहा है, तो क्या यहाँ के किसान वो सम्मान निधि पा रहे हैं? जी, पा रहे हैं, समय समय पे पा रहे हैं, यही भरोसा हम लोगों को जिता रहा है। छुट्टा जानवरों पे क्या कहेंगे आप? छुट्टा जानवरों पे काबू है, योगी जी ने गौशाला की भरपूर व्यवस्था की है, गाँव में पूरी व्यवस्थाएं हैं, उनको पशुपालन जो जिसको जिम्मेदारी दी गई वो पूरी तरह उसको निभा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर पे बिल्कुल पूरी तरह सही है, लॉ एंड ऑर्डर। हाँ, बिल्कुल सही। और दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि यूपी में गुंडा और माफियाओं का राज था, जब से योगी जी आए हैं यहाँ गुंडाई तो बंद हो गई है, माफिया दुबुक के घर में बैठ गए हैं। अच्छा, ये योगी जी के साथ। अच्छा जी सर, अपना नाम बता दें। दिनेश पांडे। तो दिनेश सर, हमें ये बताएं कि उत्तर प्रदेश चुनाव चल रहा है, दूसरा चरण का आज मतदान के लिए, कल मतदान होने वाला है, 48 घंटे बचे हैं, तो आप क्या, आपको मुताबिक किसकी सरकार बनते हुए दिख रही है? भाजपा की। और वही बात की जाए तो तमाम लोग कह रहे हैं कि ये सरकार में रोजगार नहीं दिया गया, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, रोजगार क्यों नहीं दिया, रोजगार बहुत दिया गया है, 3-4 लाख लोगों लड़कों को रोजगार मिला है ना, राशन दे रही है, फ्री का राशन, शौचालय दे रहा है, आवास दे रही है, बहुत सारी योजना योगी मोदी सरकार में मिल रहा है लोगों को। तो क्या यहाँ पारदर्शिता के साथ लोगों को आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है? जी, पारदर्शिता से। जी। अगर बात करें तो जो आगामी सरकार होगी उससे क्या आशा अपेक्षा लेकर आप चाहते हैं कि इस विधानसभा के लिए वो सरकार या हमारा विधायक काम करे? विधायक काम करेगा, पूरा करेगा। क्या आशा अपेक्षा रखते हैं? आशा रखते हैं कि बिल्कुल काम करेंगे विकास के लिए, अभी तक किए हैं, बिल्कुल करेंगे। अच्छा, वही हमारे साथ एक युवा भाई हैं, आप अपना नाम बता दें। अल्प नारायण पांडे। अच्छा अल्प, हमें ये बताएं कि उत्तर प्रदेश चुनाव का बिगुल बज चुका है, किसकी सरकार बनते हुए दिख रही है आपको? बीजेपी की। हमें ये बताएं कि आप युवा हैं तो आपकी क्या आशा अपेक्षा रहेगी आगामी सरकार से? देखिए, आगामी सरकार से कोई भी सरकार होगी, जब ज्यादा दिन तक कोई भी सत्ता में रहती है तो एक तानाशाही का माहौल होता है। फिलहाल अभी तो सरकार ठीक चल रही है। और रही बात रोजगार की, तो सही पूछे तो जिसको काम नहीं करना उसके लिए कौन सा रोजगार है, बताइए आप ही। भाई घर बैठ के बोलेंगे कि हम नौकरी छोड़ के आए हैं, झंडा पकड़ के चलेंगे, कहते हैं रोजगार दो। अब हम कहते हैं हम भी पढ़े लिखे, हम काम कर रहे हैं, हम बेरोजगारी का रोना थोड़ी ना रोएंगे। जितने भाई पढ़े हैं पूछ लो इनसे। अच्छा, कोई ना कोई, अब मेरी बात सुनिए, अब कोई बोले ऑटो चला रहा, भैया नाम क्या है तुम्हारा, अब कहते हो कितना पढ़े हो, कहे पढ़ा लिखा कुछ नहीं है, उसको रोजगार चाहिए कलेक्टर ही का, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। भारत सरकार सबको सरकारी सर्विस नहीं दे सकती, पहली बात, चाहे जो भी हो, एक समूह में वो सरकारी सर्विस बांट ही नहीं सकती है।
सेक्टर होना चाहिए, कोई प्राइवेट कर रहा है, कोई सरकारी, जो योग्य है वो कर रहा है, जो नहीं योग्य उसको नहीं मिल रहा है। अगर मानिकपुर मऊ विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ प्रमुख समस्याओं क्या है और उस पे सरकार को काम करना चाहिए? समस्या तो देखिए, पहले पानी की बहुत बड़ी थी, पानी की समस्या ठीक हुआ है और रोड भी ठीक ठाक बन रहा है, लेकिन कुछ जगह पे है, जैसे मान लीजिए अभी यहाँ से आप जाएंगे तो ये लबेज से दानू बाबा सीधे रोड निकलती है ढभौरा को, वो निर्माण बहुत जरूरी है। अगर वो निर्माण हो गया, किसी भी बहुत दिन से उसका विवाद चल रहा है, कई नेताओं को आ गया, सांसद को आ गया, लेकिन देखिए कोई नहीं आता है। चुनाव है, चुनाव में सब रंग रलिया है, बाकी बात में सब अपने अपने घर में, जनता का कोई नहीं सुनने वाला है, चाहे बीजेपी हो चाहे सपा हो। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर पे आप क्या कहेंगे इस सरकार? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, और कैसा चाहिए बताइए आपको। 5 साल में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा हुआ हो तो बताइए, लिखित प्रमाण में ले लीजिए, कहीं नहीं हुआ। रही बात है देखिए सरकार की, सरकार अभी काम कर रही है, क्षेत्र में अमन चैन आया है, इस जो पहले की बात की जाती थी कि यहाँ ददुआ का आतंक था, पहले तो मायावती ही ले आई है, उसमें कोई अमन चैन वाली बात नहीं है, मायावती सब सफाया कर दी थी, छोटे छोटे हैं वो बीजेपी भी कर देगी, लेकिन सपा राज आया तो गुंडा राज आएगा, वो 100% लिख लीजिए आप। और वही अगर बात की जाए तो तत्कालीन के जो प्रत्याशी है उनका क्या हाल चाल है? बढ़िया है उनका भी, अब देखिए महाराज जी खड़े हैं आज चुनाव में, अब विजयी भी होंगे, कम से कम 50,000 वोटों से विजयी होंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा, वो अगर विजयी होते हैं तो आप क्या आशा अपेक्षा रखते हैं कि इस क्षेत्र में वो क्या काम करें? देखिए काम करेंगे जो लोग उनके पास जाएंगे, मैं कहता हूँ भैया सबका काम करें, समूह भाव में करें, समाज को लेके चलें, कोई एक समाज को अग्रिम करके कोई भी विकास नहीं कर सकता है, चाहे जो भी हो, चाहे ब्राह्मण समाज का हो, चाहे पटेल समुदाय का हो, तो सभी लोगों को सुनना चाहिए उनको। और जहाँ भी देखिए, अभी आप इधर से जाएंगे नेवरा देवरा बहुत सारे गाँव पड़ेंगे, वहाँ पे समस्या ऐसी है कि लोग पैदल नहीं चल सकते हैं, ये कंडीशन है। क्या दिक्कत आती है? अरे रोड ही नहीं है, पानी भरा हुआ है सब जगह। अब ये कोई विधायक निधि में तो आपके जो आगामी विधायक होंगे उनसे आशा रखते हैं कि उसे सही सर, ये विधान की प्रॉब्लम, विधायक की प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रधान की प्रॉब्लम है। उस आवाज को जाके वो विधानसभा में उठाए और काम कर रहा है। अरे कोई नहीं उठाएगा, गाय परेशान है, कोई नहीं करेगा। ये खाली देखिए जो गांव पंचायत की समस्या होती है ये प्रधान के अंतर्गत आता है ना, तो विधायक सांसद के, ठीक है, तो प्रधान को नजर लेना चाहिए कि भाई मैं इस गांव से वोट मांगने जाता हूं, यहां पे रोड नहीं है, समस्या है, उनको सुलझाना चाहिए। और रही बात विधायक जी की, तो वो तो देखिए जब डबल इंजन की जो कहते हैं ना सरकार होती है ना, तो विकास भी डबल से ही होता है, सिंगल से नहीं होता। अभी कोई सरकार हम यहां बिठा देंगे, सेंट्रल में दूसरी रहेगी तो वो उससे जाएगा, फंड करेगा, ये करेगा, वो करेगा। और बहुत सारे लोग हैं जो विरोधी हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे, बहुत सारे लोग हैं कहते हैं राम मंदिर से क्या फायदा, तो मैं आपको बता दूं राम मंदिर से फायदा क्या है, अभी से नहीं, वहां पे दशकों साल से 80% लोग जो वहां पे बैठा है, जो खा रहा है, वो उसी मंदिर के भरोसे है। और जो विरोधी कह रहे हैं मंदिर से क्या फायदा, तो 430 करोड़ के हज़ार से भी कोई फायदा नहीं है। अगर फायदे की बात है तो 100 करोड़ लोगों की आस्था है और बीजेपी जीतेगी, और बीजेपी ही जीतेगी और कोई नहीं जीतेगा। तो भाई साहब के मुताबिक बीजेपी जीतेगी, तो आप क्या कहेंगे इस पे, किसकी सरकार बनते हुए दिख रही है आपको? बीजेपी, बीजेपी। और वहीं अगर बात करें इस सीट की मऊ मनिकापुर की, तो कौन जीतता हुआ मानिकपुर, तो किसकी सरकार बनते हुए दिख रही है आपको? बीजेपी, बीजेपी। तो अपना दल के जो प्रत्याशी है वो आपको कैसे लगते हैं? अच्छे हैं हमारे लिए। आप अपनी समस्याओं को वहाँ रखेंगे तो क्या लगता है कि वो कैसे निष्पादन करेंगे? काम करेंगे अच्छे तरह से, काम करेंगे। आप अपना नाम बता दें सर। उमेश पांडे। उमेश सर, हमें ये बताएं कि लॉ एंड ऑर्डर पे आप क्या कहेंगे, कितना उस पे सुधार हुआ है और कैसा हुआ है? अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा सुधार हुआ है। अगर मऊ मानिकपुर की कहीं बात की जाती है प्रदेश में, तो ददुआ का नाम आता है, तो क्या अभी भी वो चीजें हैं या काफी बदलाव हो चुका है? डकैतों का यहाँ सफाया हो चुका है, ना कोई डकैतों का यहाँ डर रह गया है, और डकैतों से कोई भय नहीं है यहाँ। अपने प्रत्याशी से कितना खुश है? प्रत्याशी से भरपूर, पूरे 100% खुश है हम लोग। क्या आशा अपेक्षा रहेगी आपकी? भरपूर क्षेत्रीय हैं, इनका मऊ में रहना है, क्षेत्रीय रहना है, मुलाकात बराबर होना है, पूरी आशा है सब काम होंगे। आशा अपेक्षा क्या रहेगी कि अगर ये विधायक चुन के आते हैं तो किन चीजों पे प्रमुखता से काम करें, किन मुद्दों पे? अरे रोड, पानी की व्यवस्था हो ही रही है, पहले से हो गई है, रोड की अच्छी व्यवस्था है ही है, और बेरोजगारी दूर करेंगे, फैक्ट्री अगर होगी, देखो बर्गर फैक्ट्री बंद पड़ी है, अगर उसमें थोड़ा ध्यान देंगे तो और अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, इस सरकार में जमुना जी पे इतनी सरकार आई गई, आज तक कोई पुल निर्माण नहीं हुआ, 2 पुल बन रहे हैं, एक महिला का पुल बन रहा है जो कंप्लीट होने वाला है, और दूसरा बियावल का पुल बन रहा है, वो बीजेपी गवर्नमेंट के कार्यकाल में बन रहा है। अच्छा, अगर बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश का मध्य प्रदेश सीमा पड़ता है यहाँ, तो क्या जो लखनऊ से योजनाएं चलती है वो या सही ढंग से यहाँ पहुंच पाती है, अब लोगों को मिल पाती है? जैसे आवास योजना आप देख लें, या किसान सम्मान निधि देख लें, या इज्जत घर शौचालय देख लें, तो क्या सुचारू रूप से लोगों को मिल रहा है यहाँ पे? देखिए, ये जब बसपा और सपा की सरकार थी तो ये योजना वहाँ से आती थी और नेता विधायक सब इसको खा जाते थे,
जब से बीजेपी योगी जी की गवर्नमेंट आई है पूरी एक एक योजनाओं का लाभ मिल रहा है यहाँ के रहने वालों को, वासियों को। और हमारे मऊ मानिकपुर चित्रकूट जो बोलते हैं, इस विधानसभा में जितना योगी जी ने कार्यकाल में पैसा लगाया है किसी नेता और मंत्री ने नहीं लगाया इतना। अच्छा, कैसे हैं आप? बढ़िया। क्या नाम पड़ेगा? रविशंकर त्रिपाठी। रविशंकर जी, हमें ये बताएं कि अगर बात की जाए इस क्षेत्र की समस्याओं की, तो क्या समस्याएं हैं? ऐसी कोई समस्या हो जो आप आगामी चुनाव है और जो चुन के आते हैं उनसे आप चाहते हैं कि उसका निदान मिले? योगी और मोदी की सरकार पे कोई समस्याएं अब बची नहीं है, जो भी बची हैं वो इन सरकार से हमें आशा है जो हमारी मांगे पूर्ण होगी। अच्छा, इस सीट पे अगर बात की जाए तो मुकाबला किन में देखा जा रहा है, किन किन पार्टियों के अंदर? किसी से कोई मुकाबला नहीं है, योगी जी और मोदी जी के नाम पे सारा वोट है, सारा समूचा जनमानस एक है और यहाँ पूर्ण रूप से 310 प्लस योगी और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जो भी समस्याएं हैं, समस्या तो है भी नहीं, जो छोटी मोटी समस्याएं हैं वो सब पूर्ण होंगी। मोदी जी के समय में 156 नए पुल, 2,00,000 किलोमीटर रेलवे लाइन दोहरीकरण हुआ है, युवाओं को जो भी नौकरियां मिली हैं ये कोई कह नहीं सकता कि मुझसे घूस लिया गया है, चाहे टीचर्स की हो या बड़े पदों की हो। ये संत की सरकार है, पूर्ण रूप से आने वाली है, समूचा जनमानस भारतीय जनता पार्टी अपना दल निषाद पार्टी के साथ योगी और मोदी जी के लिए खड़ा है। अच्छा, विपक्ष छुट्टा पशुओं में बहुत आवाज उठा रहा है, कह रहा छुट्टा पशु से किसान बहुत परेशान है, इस पे आप क्या कहेंगे? जी, मैं प्रयागराज जिले का विश्व हिंदू परिषद, अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद का गौरक्षा प्रमुख भी हूँ, मेरा नाम विजय शंकर पांडे है। ये योगी जी और मोदी जी का गोवंश नहीं है, गोवंश तो हमारा लोगों का है, हम ही लोग दूध दुहने के बाद उनको सड़कों पे ढील देते हैं। योगी जी ने तो प्रधानों के माध्यम से काफी गौशालाएं दी हैं, हमारे बगल में एक कांधा गौशाला बना है जिसमें 3,000 गोवंश हैं, उनकी व्यवस्था दुरुस्त है। अब अगली जो भी गोवंशों की बातें हैं, हर गांव सभा के प्रधानों के लिए 5-5 लाख रुपए गौशालाओं के लिए योगी जी आवंटित कर चुके हैं। ये भी समस्याएं जनमानस की रही, उनको भी हम लोग सब सॉल्व करने में लगे हैं, सब दुरुस्त हो जाएंगी। अच्छा, अब तक 75 साल आजादी को होने वाले हैं जी, तमाम सरकारें आई, तो क्या गौवंशों की स्थिति इस सरकार में बदली है? समस्त हिंदू जनमानस जब कहीं भी बोला करता है तो गौहत्या बंद हो, हमने गौहत्या बंद करने के लिए जनमानस की ही आवाज को कि हर कोई पूजा पाठ के बाद बोलता है गौहत्या बंद हो, तो हमने तो उन्हीं सब का काम किया है कि गौहत्या बंद करवा दिया हम लोगों ने। अब रख रखाव की बात है तो वो भी दूर हो जाएगी, लेकिन सबसे विषम समस्या ये है कि गौवंशों का उनका दूध दोहन करने के बाद उनके बछड़ों को घर में बांध लिया जाता है और गौवंशों को सड़क पे टहलने के लिए उनके मालिक छोड़ देते हैं। क्या इसी वजह से सड़कों पे वो गोवंश जो छोड़ दिए जाते हैं, जो छुट्टा जानवर लोग कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है, क्या वो वही है? हाँ, इन्हीं सब का है, हम ही सब किसानों का है, गोपालकों का है, और क्या योगी मोदी जी का है? क्या क्या कहेंगे उन किसानों से कि ऐसे निदान दी कैसे दिलाए इसको? हर गाँवों में स्वयं रख रखाव के लिए गाँवों में भी लोगों ने पुआल रखा हुआ है, गोवंशों को आश्रित दिया गया है अपने फसलों को बचाने के लिए। और अगली समस्याएं हम लोगों ने वहां रखा है कि जो वन अभ्यारण हैं इनको भी गोवंशों के लिए कुछ स्थान सुनिश्चित करके वहां हम लोग इनको अस्थायी रूप से रखवाएंगे। 2 मनरेगा से लोगों को दिया जा रहा है, समस्त गोवंशों को ढील के चराएंगे, ले आकर के उनको फाटक में रख के अपना गौशाला में रख रखाव करेंगे। ये समस्या का निदान बहुत जल्द हो जाएगा, इस सरकार के बनने के बाद हम लोग तेजी से पहल कर रहे हैं, भले ही किसी का गौवंश हो, यदि हम गौ माता कहते हैं तो हमारा ही है वो जी। हाँ, अगर राशन की बात की जाए तो क्या लोगों को सुचारू रूप से यहाँ पे सुचारू रूप से राशन दिया जा रहा है और लोग कितने खुश हैं इससे? यहाँ पर सभी लोग खुश हैं क्योंकि एक बार नहीं दो दो बार राशन फ्री मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो ये COVID-19 की बीमारी है, तो हमारा देश पहले ऐसा हुआ करता था जब हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, तब जो कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें एक समय आप जानते होंगे हम लोग सब यहाँ देहात से हैं, गांव से हैं, तो जोंडी बाजरा जो कांग्रेस थी, कांग्रेस की सरकार ने अमेरिका से भीख मांगा था, उन्होंने लाल लाल कलर की जोंडी आई थी, हमारे चाचा लोग दादा लोग जानते हैं, लगभग 30 साल पहले की बात है, एक बीमारी आई थी, तो उसमें अमेरिका से हमारे प्रधान जो
नरेंद्र मोदी जी की पहले जो कांग्रेस की सरकार थी प्रधानमंत्री हाँ उस समय के, तो उन्होंने भीख मांगा था, जबकि हमारे नरेंद्र मोदी जी इस समय इतने बोल्ड नेता हैं, दुनिया के प्रखर नेता हैं, ओजस्वी नेता हैं कि इस समय हम खुद वैक्सीन जनरेट किए हैं, दो दो बार यहाँ सब लोग भाई जानते हैं कि दो दो बार राशन सबको मिल रहा है फ्री, एक रुपए किसी से नहीं लिया जा रहा। और इस प्रकार की भयावह बीमारी में, जबकि अमेरिका दुनिया का पहला रिचेस्ट कंट्री है, इटली सेकंड नंबर का है, वहां भी इतनी भयावह स्थिति थी, लेकिन आप जानते हैं हमारा 1,35,00,000 लोग हैं, फिर भी हमारे यहाँ कितने सकुशल हैं, पहली डोज लग गई, सेकंड डोज लग गई, अब बूस्टर डोज लगने जा रही है। और अभी तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं था जो खुद डेवलप कर ले कोई दवा। हमारे यहाँ मात्र 2 साल में मोदी जी ने COVID-19 की कोविशील्ड और कोवैक्सीन नामक जो दो वैक्सीन डेवलप कर लिया इन्होंने, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे पहले सबसे अच्छी बात ये है कि हम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे के लिए भी सप्लाई कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वैक्सीनेशन प्रोग्राम कैसा चल रहा है, क्या आसानी से लोगों को लग पा रहे हैं? जी बहुत अच्छा चल रहा, मैं खुद सेकंड मतलब अभी बूस्टर तो नहीं लगवाया, लेकिन सेकंड डोज कंप्लीट है, अभी बूस्टर आया, नहीं सेकंड डोज कंप्लीट पर बूस्टर माना जाता था, तो मेरा दो डोज मैंने कंप्लीट कर लिया, बूस्टर डोज फाइनली अभी उन लोगों को लग रही है जैसे हाँ जैसे इलेक्शन कमीशन में जाएंगे लोग, पुलिस वाले हो गए, डॉक्टर हो गए, फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगाया जा रहा है। जी जी जी, तो आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि जो मनिकापुर विधानसभा है वहां से क्या स्थिति है, कौन जीतेगा और किस में मुकाबला है। तो आप अपना नाम बता दीजिए चाचा। मोहित नाथ। अच्छा, आपको बात नहीं करना है, आप अपना नाम बताएं। ओम प्रकाश प्रजापति। अच्छा ओम प्रकाश जी, हमें ये बताएं कि जो आगामी सरकार होगी, जो अगली सरकार होगी, उससे आप क्या आशा अपेक्षा रखते हैं, अपने विधानसभा मानिकपुर मऊ विधानसभा में क्या काम किए जाए? काम हमारे यहाँ जो अभी हुआ है ठीक लक्ष्य में अभी काम तो हो रहा है, अब ये सरकार आने के बाद क्या हो सकता है। इस सीट पे आपको कौन जीतता हुआ दिख रहा है? अब जीतता हुआ तो देखो, ये तो हम नहीं कह रहे हैं कि कौन जीत रहा है, ये तो कांटे की लड़ाई है। आप यहाँ बैठते होंगे, तमाम लोगों से चर्चाएं होती होंगी, तो किस में लड़ाई है? ये तो कांटे की लड़ाई है। देखिए, हम किसको कह दें कि कौन जीत रहा है, ये तो हम नहीं कह पाएंगे। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर पे क्या कहेंगे, कानून व्यवस्था पे, तत्काल जो तत्काल की सरकार है इसके द्वारा जो कानून व्यवस्था का लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग बता रहे हैं कि अच्छा हुआ, उस पे आप क्या कहेंगे? अच्छा है कानून, कानून तो अच्छा है, कानून में कोई ऐसी बात नहीं है। मतलब इस क्षेत्र से गुंडाई खत्म हो गई? नहीं, गुंडाई तो खत्म है। गुंडाई खत्म। भाई आप अपना नाम बताएं। आशीष शुक्ला। आशीष जी, हमें ये बताएं, आप युवा हैं तो जो अगली सरकार आएगी, जो चुनाव चल रहा है और दूसरे चरण का मतदान भी अब होने जा रहा है, तो जो अगली सरकार होगी उससे क्या आशा अपेक्षा रखते हैं एज ए युवा? योगी जी की सरकार तो बड़ी अच्छी है और सरकार योगी जी की आनी बहुत जरूरी है, तो बढ़िया, कानून व्यवस्था भी बढ़िया है, ठीक ठाक है, और महिलाओं की सुरक्षा भी बहुत अच्छी हो रही है, तो हम तो योगी जी को चाहेंगे। क्या यहाँ अब देर रात लोग निकलते हैं तो कुछ डर है, क्योंकि यहाँ बताया जाता था कि सरकार आई है उस दिन से बहुत बढ़िया कार्य हो रहा है। और पुलिसिया प्रशासन कैसा है? पुलिस प्रशासन भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, सब बढ़िया है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं, अब जानते हैं कि उनके मुताबिक 2022 की रेस को कौन जीतता है और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कौन जीत कर मुख्यमंत्री का सेहरा पहनता है। आप अपना नाम बताएं। मंदन मंडल। हमें ये बताएं कि 2022 की रेस कौन जीतते हुए आपको दिख रहा है? जनता के रुझान तो अब दो तरफा है, अब कोई क्लियर नहीं कहा जा सकता कौन से क्या करने। अभुक्ता से लड़ाई किसके साथ अगर देखा जाए तो लड़ाई में कौन है? अब लड़ाई में तो कोई कंफर्म नहीं, मन दो तरफा है। तो कुछ और लोगों से बात करते हैं, हम जानते हैं कि क्या है यहाँ का रुझान और लोगों के द्वारा जाना जाए कि किसकी सरकार वो बना रहे हैं। आप अपना नाम बता दें। विनोद कुमार प्रजापति। विनोद कुमार प्रजापति। अच्छा, ये बताएं कि जो 22 की रेस है, 2022 में किसकी सरकार बनते हुए दिख रही है आपको? योगी जी की। योगी जी की। कितना खुश है योगी सरकार से? अरे हम ये खुश हैं कि कोई सरकार में जो नहीं लड़ता है। एक राशन व्यवस्था कैसी चल रही है? बढ़िया, एक नंबर का। आवास व्यवस्था यहाँ गांव में क्या लोगों को सुचारू ढंग से मिल पा? अरे मालिन हमें नहीं मिला तो आगे चल कर मिली तो भाई। और शौचालय व्यवस्था कैसी है? इज्जत घर जिसे कहा जा रहा है, इज्जत घर लोगों घर बन रहे हैं? हाँ बन रहे हैं, सबके आवास कॉलोनी दी जा रही है, जो नहीं पाया वो पाएगा। अब मैं तो नहीं पाया हूँ, अब कह दूँ कि नहीं पाया हूँ, आज नहीं तो कल तो मिलेगा।
अच्छा, अगर इस सीट की बात करें मनिकापुर मऊ पे, तो किसकी जीत, मानिकपुर किसकी जीत आपको लग रही है यहाँ से? अरे लल्ली महाराज महिला। अच्छा, अगर वो जीत के आते हैं तो क्या चाहेंगे कि इस क्षेत्र के लिए किस तरह का विकास करे वो? अरे विकास देखे जाऊँ टूटाटा हमारे घर है तो घरन की व्यवस्था करूँ। अब हमारे नहीं, हम बंगली बना कर रह रहे हैं मंदिर के सामने पूरा में खुद। अच्छा ठीक, हम कुछ और लोगों से बात करते हैं, युवा हैं। युवा के तौर पे अगर बात करें तो जो सरकार आने वाली है उससे क्या आशा अपेक्षा रखेंगे? देखिए, उससे हम पहली हर आदमी की जो प्राथमिकता होती है सड़कें, मकान और शिक्षा, जिस पे हमारी भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और ये जो अपना दल से गठबंधन प्रत्याशी हमारे श्री अविनाश चंद द्विवेदी जी आए हैं, ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। जैसे कि आप बात करें सपा के जो वीर सिंह जी हैं, इनके पिताजी जिन गांवों में लूट घसोट करते थे, जिनके कारण इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया। आप मानिकपुर क्षेत्र में जाइए, सड़क नहीं बन पाई, बिजली नहीं पहुंच पाई। रामू का पूर्वा एक कांड हुआ था जहां 14 ब्राह्मणों को एक साथ खड़ा करके ददुआ द्वारा गोली मार दी गई थी। वो इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं सपा से। तो कहीं ना आप अपना दल के जो उम्मीदवार हैं वो भाजपा के, इनके सामने कोई है नहीं अभी। इनकी जीत सुनिश्चित है और हमारा पूरा क्षेत्र, आम जनमानस जितना है, सब इनके साथ है। क्या आशा अपेक्षा रखते हैं आप आगामी जो अगली सरकार होगी? सरकार से हम अपेक्षा रखते हैं कि जो शिक्षा का, युवाओं को शिक्षा का स्तर है उसको ऊंचा किया जाए। जो बेरोजगारी, जो हमारे युवा कुछ बेरोजगार हैं, उनको हम लोग रोजगार हमारी सरकार प्रदान करे। और बाकी सरकार की योजनाएं चल रही हैं। कानून व्यवस्था पे क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था अभी तक ठीक है। अभी तक हम लोग 5 बज जाते थे तो हम अपने विधानसभा की बात कर रहे हैं, बाहर हम नहीं जानते क्या है। अपने विधानसभा में हम लोग मानिकपुर जैसे इलाका है जहां नहीं जा पाते थे, 5 बजे के बाद वहां बंद पुलिस बैरिकेडिंग कर देती थी कि 10 सुप्रभावित हैं, गुंडा हैं, माफिया हैं, निष्फिक्र 11 बजे रात तक टहलत है आदमी। क्या भयमुक्त उत्तर प्रदेश का निर्माण हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल। आपको, आप लोगों को भी दिख रहा होगा क्योंकि आप मीडिया कर्मी हर जगह जाते हैं, आपको स्वयं ये महसूस हुआ होगा कि भयमुक्त उत्तर प्रदेश है। और अगर बात करें तो इस सीट पे 2 प्रत्याशियों को बताया जा रहा है कि उनसे मुकाबला है, तो कौन जीतेगा और कितने वोटों से जीत सकता है? नहीं नहीं, ये तो गलत है, कहना गलत है। मुकाबले में कोई नहीं है। जो ये अपना दल और भाजपा के संयुक्त प्रत्याशी श्री अविनाश चंद द्विवेदी जी हैं, निर्विवाद चेहरा है क्षेत्र में, इनका किसी से कोई विरोध नहीं। आज तक इन्होंने कभी किसी के विरोध में नहीं रहे, न किसी पार्टी से भी पहले नहीं जुड़े थे। इन्होंने पार्टी अच्छा कैंडिडेट समझ के दिए। इन्होंने पहले भी गरीब बहू जो बेटियां थी हमारे क्षेत्र की, शादी विवाह में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। साधु महंतों की, सबकी सेवा करना ही इनका कर्म था जी। तो इस वक्त हम मौजूद थे चित्रकूट के मानिकपुर मऊ विधानसभा पे, जहां लोगों का साफ तौर पे कहना है कि अविनाश चंद्र द्विवेदी यहां से विधायक बन सकते हैं। और वहीं अगर बात करें तो तमाम लोगों के द्वारा बताया गया कि ये जो विधानसभा था वहां गुंडाओं का ये एक तंत्र हुआ करता था, जो यहां काबिज था, जो अब वहीं लोगों ये भी बता रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश का ये विधानसभा भयमुक्त हो चुका है। तो अब आने वाला चुनाव 10 मार्च को पता चलता है कि विधानसभा से कौन विधायक बनता है। कैमरामैन दीपक के साथ विभांशु प्राइम टीवी। तो आपने जाना कि जनता का क्या है चुनावी मूड। कुछ लोग तो सरकार के काम से काफी खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग चाहते हैं परिवर्तन। तो आखिर परिवर्तन होगा 2022 में या फिर सत्ता फिर से दोहराई जाएगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी जनता की क्या राय है ये जानने के लिए देखते रहिए प्राइम पब्लिक और सरकार।